तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अब हड़बड़ी में है तो ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है अभी, 1 मिनट बस कम। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद बताते हैं क्यों मार्केट जा रहे हैं। क्या होता है, पतिदेव का बर्थडे आ रहा है, उसका तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, निकल चुके थे पतिदेव के साथ मार्केट और बहुत जिद करके मतलब जा रहे थे कि चलिए एक तो ले लीजिए टी शर्ट। माँ भी पैसा दी कि जाओ ले लो, बट ये लेते ही नहीं है अपना कुछ भी। बट फाइनली इतना जिद करने के बाद, हम लोग करीब 2-3 दिन से जिद कर रहे हैं, हम जिस दिन से आए हुए हैं ना ससुराल उस दिन से जिद कर रहे हैं चलने के लिए, बट नहीं जा रहे थे। तो काफ़ी बोलने के बाद आज रेडी हुए कि ठीक है चलो चलते हैं। तो हम ऐसा होता है ना पतिदेव के साथ कि वो खाने वाला चीज़ में कितना भी खर्च कर लेंगे, बट उनको कपड़े लेने का मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों लगता है उनको कि ये फालतू खर्च है। होते हैं ना कोई कोई लोग, बताइएगा आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं या नहीं। मेरे पतिदेव ऐसा ही करते हैं, वो खाने पीने में बहुत सारा खर्चा कर देंगे। मेरा ख़रीदना हो तो सब कुछ खरीद देंगे, बट खुद का जो कपड़ा है वो नहीं लेते हैं। तो इनको मतलब ज़बरदस्ती ख़रीदना पड़ता है, जीद करके या छुपा के मंगाना पड़ता है ऑनलाइन और देना पड़ता है, नहीं तो ये मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग भीमार्ट में आए थे, कुछ किराना का सामान वगैरह लेना था तो वो ले रहे थे। ये देख सकते हैं हेलमेट से क्या हालत हो गया है मेरा। फिलहाल भीमार्ट में आए हैं, कुछ कुछ सामान लेना है, किचन वगैरह का जो होता है वो। बाय द वे ये बहुत अजीब सा लग रहा है ना, तो मेरे पतिदेव को आज कपड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था। हम लोग 2-3 मॉल में गए थे, बट फिर मिल गया था फाइनली एक शर्ट मार्केट से। तो आ गए, आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया गर्मी से, और ये क्या हाल हो गया पूरा। कोई बात नहीं, तो पतिदेव का जो टी शर्ट है वो ख़रीदा गया है, वो आपके बर्थडे वाले वो देखने मिलेगा बर्थडे वाले ब्लॉग में। कितना लटपटा रहे हैं ना बोलने में, क्योंकि बहुत थक गए हैं, गर्मी भी लग रहा है। तो जा रहे हैं पानी वगैरह पीने, और मेरा देखिए बैग टूट गया। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। और जो टी शर्ट लिया है ना पतिदेव के लिए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है सच में। तो उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। तो अचानक से मेरा नज़र उस पर गया तो उठा के देखे तो उसको साइज़ नहीं मिल रहा था, जितना साइज़ था छोटा था छोटा था। तो मेरे को लगा नहीं मिलेगा क्या, एक तो पसंद आया इसका तो मिल जाओ। तो फिर ढूंढते ढूंढते मिल गया, तो लेके गए पतिदेव के सामने, बोले ये ले लीजिए। तो वो बोले कि ठीक लग रहा है, बोले हाँ मेरा पसंद है, प्लीज़ ले लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर वो ले लिए, वो पहनेंगे तो बर्थडे वाले ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। मेरे को एक मतलब एक अलग सा टी शर्ट लग रहा था, बहुत प्यारा सा, उसका जो कलर था ना वो बहुत अच्छा था। तो चलिए अभी टाइम देख सकते हैं, 9:30 हो गया है, रात का 9:30 बजे हम मार्केट से आ रहे हैं। लेट हो ही जाता है, गर्मी का दिन है ना तो इसलिए, और पतिदेव को ऑफिस से आने में भी लेट हो जाता है। चलिए चलते हैं। फिर कपड़ा गए चेंज करने के बाद आ गए किचन में, तो सासू माँ और ससुर जी खा लिए थे और सोने भी चले गए थे। मेरी सासू माँ जो है बोल रही थी कि हम बना देते हैं रोटी, बट हम बोले कि नहीं बना लेंगे, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है। आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, उनको इंजेक्शन भी लग रहे थे। तो पहले हुआ था कि मेरे पतिदेव बोले कि बाहर से मंगा लेते हैं खाने के लिए, तो इसलिए मतलब बना नहीं था रोटी। बट फिर हम बना के रोटी वगैरह दे दिए थे, देख सकते हैं सब्जी और भुजिया बना के हम मार्केट गए थे इसीलिए, ताकि आके बस रोटी बनाना हो। और बाहर से पतिदेव मंगाए थे, ये देख सकते हैं, ये मोमोज है और एक सोया चॉप बोलते हैं, शायद सोया चॉप ही बोलते हैं, तो एक वो भी था और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी था। तो सब हम लोग इस तरीके से खा रहे थे, और खाने का हम लोग का टाइम 11 बज गया था रात में, तो 11 बजे हम लोग बैठ के खा रहे थे हम ही दोनों, सब लोग सो गया था। तो यहाँ पे ये जो मंगाए थे ना, मेयोनीज बोल रहे हैं हम, मोमोज और ये सोया चॉप, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो हम दोनों लोग सोचिए तो पार्टी टाइप लग रहा था, क्योंकि इतने रात को अगर ऐसे हम लोग बैठ के खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ रख के, तो बहुत प्यारा सा मोमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह सुबह नहा के आ गए हैं छत पे, और आपको नज़ारा दिखा देते हैं। इतना अच्छा लगता है ना छत पे आके सुबह सुबह, एकदम ठंडा ठंडा सा हवा लगता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अभी हम घूमने नहीं आए हैं, अभी हम आए हैं फूल तोड़ने, क्योंकि पूजा करने जाना है मंदिर भी और घर पे भी। पूजा करके बहुत सुकून मिलता है, तो जिन लोगों के मन में बेचैनी टाइप रहता है, अच्छा नहीं लगता है, वो ज़रूर पूजा किया करिए। अगर पूजा नहीं कर रहे हैं
मंदिर जरूर जाके 10 मिनट भी बैठ जाइए, जब आपका ऐसा मन होता है तो ज़रूर सुकून मिलेगा। तो चलिए पहले फूल तोड़ लेते हैं और फिर चलते हैं पूजा करने नीचे। तो गाइस ये देख सकते हैं चिड़ियाँ उड़ती है यहाँ डेली सुबह, इतना प्यारा लगता है ना, सब यहाँ आके बैठी हुई हैं। यहाँ कौवा देख सकते हैं। तो चलिए फूल तोड़ लिए, बहुत सारा फूल अभी है बट इतना ही तोड़ के चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। फिर यहाँ आ गए पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और ससुराल में मेरा ये रूटीन में से ही आता है कि हम सुबह उठ के पूजा किया करते हैं, जो कि बहुत सुकून देता है सच में। और अभी वीडियो में देख रहे हम चूड़ी पहनना ही भूल गए थे। सुबह में इतना हम हड़बड़ टाइप हो जाते हैं ना कि मतलब बहुत जल्दबाजी में रहते हैं पता नहीं क्यों, तो इसलिए हम यहाँ भूल गए चूड़ी पहनना। मतलब चूड़ी पहने हुए थे, जो ज़्यादा साड़ी पे चूड़ी अच्छा लगता है, एक दो तो नॉर्मल ठीक लगता है घर में काम वगैरह करना हो तो, बट साड़ी पे एक दो अच्छा नहीं लगता है, हाथ भरा भरा सा हो चूड़ी से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम यहाँ पे पूजा किए और फिर घर पे पूजा करने के बाद जाना था मंदिर, तो अभी घर पे अगरबत्ती ही बस दिखाए थे, फिर मंदिर जाके पूजा भी किए थे। तो देखिए ब्लॉग को एंड तक, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग। सो गाइज फिर सुबह हम लोग आ गए मंदिर, और इतना हम लोग सुबह आते हैं ना कि बस पंडित जी जो हैं वहीं पूजा किए रहते हैं और उनके बाद हम ही दोनों आते हैं सास बहू पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले माँ पूजा कर रही थी, उसके बाद हम भी पूजा कर लिए थे, और सच में बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोग भी घर पे भी पूजा किया करिए और मंदिर जाके भी पूजा किया करिए, एकदम मन इतना शांत रहेगा ना कि एक बार करके देखिएगा, बहुत आपको ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि डेली करें। हम लोग मंदिर आए थे और ये मंदिर है, और ये है मंदिर का बगान, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं, पूरा हरियाली हरियाली सा है जो बहुत सुंदर लगता है। और ये पेड़ भी देखिए, हर एक तरह का यहाँ पौधा लगा हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है। चलिए अब चलते हैं घर। फिर सासू माँ भी पूजा कर रही थी, उसके बाद हम आ गए घर, क्योंकि लगता है कि लेट ना हो जाए। 7 बज गया था, ऐसे हम 6:30 में किचन में आ जाते हैं बट आज 7 बज गया था। जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना था क्योंकि 8 बजे ही निकल जाते हैं पतिदेव और ससुर जी ऑफिस के लिए ड्यूटी के लिए, तो इसलिए थोड़ा हड़बड़ सा हो जाता है। फिर यहाँ पे हम जल्दी से जितना भी साफ़ करना था वो सब साफ़ किए, रात में भी साफ़ किए थे बट फिर से कर देते हैं क्योंकि एक तो कीड़े मकोड़े भी चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही रहे, क्योंकि कोई भी सब्जी वगैरह भी नीचे हम लोग रख देते हैं, तो इसलिए पूरा पोंछ देते हैं अच्छे से, गैस वगैरह भी फिर से पोंछ देते हैं। और कैसी लग रही है साड़ी गाइज ये बताइएगा मेरे को, ये साड़ी ना इतना ज़्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेन, एकदम बॉडी में पहनने पे लगता है कि नहीं भी पहने, क्योंकि साड़ी हैवी हैवी से लगता है ना, तो ये ऐसा नहीं लगता है। और आज बहुत ज़्यादा हेडिक डे होने वाला है क्योंकि आज तैयारी भी करना है, पतिदेव का बर्थडे है कल, तो इसलिए तैयारी करने, फिर मार्केट भी जाना है हम लोगों को, तो मार्केट तो पतिदेव के साथ कर लिए जो जो करना था, बट सासू माँ के साथ जाना है केक वगैरह का ऑर्डर देने भी, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम सोच रहे थे। और आज बहुत खुश थे हम कि पतिदेव का बर्थडे आ रहा है, तो बहुत एक्साइटेड भी थे, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आज भी हम बना रहे थे कटहल और आलू का सब्जी फिर से, और आज ना पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छा लगा था,
तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से आलू वगैरह बॉईल करके माँ रख दी थी और हम बना रहे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, देख सकते हैं माँ भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। तो अभी मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल है मेरे पतिदेव का जन्मदिन, तो केक का ऑर्डर देना है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अभी दे देते हैं क्योंकि शाम में फिर बाजार है तो बहुत भीड़ हो जाएगा, तो जाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए अभी ही केक का ऑर्डर भी दे देंगे कल के लिए और आज रात में कटवाने के लिए केक भी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं, बहुत आज धूप भी बहुत कड़ा सा धूप। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग केक के शॉप पे और यहाँ पे हम केक देख रहे थे कि कौन सा ले, क्योंकि रात में कटवाने के लिए केक जो है ना वो छोटा ही लेना था मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा केक हो जाता है फिर गर्मी के दिन में बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो हम यहाँ बहुत कंफ्यूज थे कि कौन सा ले, क्योंकि पिछले साल वाइट कलर का कटवाए थे तो इस बार मेरे को कुछ अलग लेना था, तो इसलिए बहुत कंफ्यूज थे। केक बहुत सारे थे, अच्छे अच्छे थे, बट फिर भी मेरे को आज बहुत कंफ्यूजन हुआ। यहाँ बहुत देर तक हम सोचे कौन सा ले कौन सा ले, फिर हम माँ से पूछ भी रहे थे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो पहले ये बोली कि ये अच्छा लग रहा है, मेरे को भी ये अच्छा लग रहा था, फिर हमको एक रेड वाले पे नज़र गया तो हम सोचे कि रेड वाला लें क्या, तो वो भी अच्छा लग रहा था, बट लास्ट में ध्यान फिर अचानक से मेरा कहीं और चला गया और हम कोई और केक लिए, वो आपको आगे देखने मिलेगा कौन सा लिए। तो बहुत प्यारे प्यारे से केक थे, बट एकदम से जो अच्छा लगे ना कि वाओ, वैसा कोई नहीं लगा था मेरे को, बट लेना यहीं से था क्योंकि हम लोग और दूर कहीं मार्केट जा नहीं सकते थे, एक तो इतना धूप था, ऊपर से नहीं जा सकते थे दूर, हम और सासू माँ सिर्फ नहीं जा सकते थे, और पतिदेव तो जाते ही नहीं खरीदने, वो बोलते कि फालतू खर्चा है कि रात में भी केक काटें और फिर दिन में भी काटें, ये तो हम मेरा शौक है तो हम ये सब करते रहते हैं, तो इसलिए हम आ गए थे खरीदने के लिए। तो पहले मेरे को ये वाला केक पसंद था बट फिर मेरा नज़र गया ये वाले केक पर, तो हम फिर डन किए इसी को कि यहीं ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था रेड लें या वो लें, फिर इस पे नज़र गया तो अलग सा लगा कुछ, तो हम ये वाला केक ले लिए, आप लोग को दिखाएंगे, बहुत प्यारा लग रहा है, इसी ब्लॉग में आपको आगे देखने मिलेगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला केक। तो गाइस देख सकते हैं यही है वो केक, सुंदर लग रहा था मेरे को बहुत, मतलब कुछ अलग लग रहा था, तो हम यही ले लिए कि रात में यही केक कट करवा लेंगे, और मतलब बहुत एक्साइटेड है गाइस, क्या ही बताएं, अभी एडिट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। आ गए घर और केक भी ले लिए और कल के लिए जो लेना है वो भी डिसाइड कर लिए कि कौन सा केक लेना होगा। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं दोपहर का भोजन बनाने, 11:30 हो रहा है, तो जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो वगैरह भी डालेंगे और कपड़ा भी धो दिए हैं, उसको भी पसारने जाना है, तो चलिए पहले चावल। फिर यहाँ आ गए किचन में चावल बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और आज सोचे थे बहुत सारा काम है आज, क्योंकि बाल भी धोना था मेरे को तो वो भी धोना ही है अभी, और ड्रेस वगैरह सब कुछ निकालना है कल के लिए। यहाँ पे हम चावल बैठा रहे थे और सब्जी वगैरह सब कुछ था, तो और कुछ भी बनाना नहीं था दोपहर में, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा गर्मी के दिनों में ना दही के साथ चावल खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी खाते ही होंगे। और चलिए इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे क्योंकि पतिदेव का जो बर्थडे का तैयारी है वो जोरों शोर से स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग ना जो मिडनाइट सेलिब्रेशन होता है उसको भी स्पेशल बनाने का सोच रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन है वो भी उनके लिए स्पेशल हो, और इसलिए इस ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि जा रहे हैं उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं दोनों सास बहू मिलके। अभी हम लोग दोपहर का भोजन करेंगे, फिर मेरे को फिर से स्नान करना पड़ेगा क्योंकि हेयर वॉश आज ही कर लेंगे, कल सैटरडे है और सुबह सुबह अगर मंदिर जाना हुआ तो नहीं हो पाएगा इतना सुबह सब कुछ, तो इसलिए आज ही जा रहे हैं हेयर वॉल लगा के और उसके बाद हेयर वॉश भी कर लेंगे आज ही, बाकी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत हड़बड़ सा चल रहा है, क्योंकि अगर कुछ हो बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो तो ऐसे ही होता है, माइंड में बस चलता है कि स्पेशल बन जाए बस वो दिन, और ख़ासकर पतिदेव का बर्थडे है तो मेरे लिए कितना स्पेशल होगा वो समझ सकते हैं लोग जो किसी से प्यार करते हैं या जिनका पार्टनर है, वो लोग समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा स्पेशल डे होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि कल पतिदेव का बर्थडे है और उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है बर्थडे वगैरह में, बट मेरे को बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम उछलते रहते हैं, उनका बर्थडे है और मेरे को लग रहा है जैसे मेरा ही बर्थडे है इस तरीके से हम कर रहे हैं,
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।